नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम मूंगफली के फायदे के बारे में बात करेंगे। मूंगफली पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है। ये काजू बादाम और सूखे मेवे के समान ही पौष्टिक होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 ग्राम मूंगफली के दाने में लगभग 1 लीटर मिल्क के बराबर प्रोटीन होता है। मूंगफली के दाने में लगभग 25% की मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो दूध और मांस से कई गुना ज़्यादा है। मूंगफली के अलावा इसका तेल भी उतना ही फायदेमंद होता है। इसका तेल खाने से शरीर में से कीटाणु नष्ट होते हैं और शरीर एक्टिव तथा फिट बना रहता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि मूंगफली खाने से क्या क्या लाभ हमें मिल सकता है। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग दिमाग को तेज बनाने के लिए बादाम खाते हैं। दोस्तों, ये महंगी बादाम का काम हमारी सस्ती मूंगफली भी कर सकती है। दोस्तों, मूंगफली के मक्खन में काफ़ी मात्रा में विटामिन ए होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये नर्वस मेम्ब्रेन की रक्षा करता है। इसके अलावा इसमें थायमिन होता है, जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है और ऊर्जा पहुँचाता है। मूंगफली खाना हृदय के लिए भी काफ़ी लाभकारी होता है, क्योंकि मूंगफली में रेविस्टाट्रोल नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है और दिल के दौरे को रोक देता है। दोस्तों, ये रेविस्टाट्रोल नाम का एंटीऑक्सीडेंट तत्व सिर्फ हृदय ही नहीं बल्कि नस के रोग, कैंसर, तंत्रिका तंत्र के रोग और वायरल तथा फंगल संक्रमण से भी बचाता है। जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता हो, इनके लिए भी मूंगफली खाना बेहद जरूरी होता है। मूंगफली खाने से बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित में हो जाता है। इसके अलावा वजन कम करने में भी ये बहुत लाभकारी होती है। ये शरीर में ऊर्जा बढ़ाती है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है। दोस्तों, बाजार में मिलने वाला मूंगफली का पीनट बटर का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि इसमें मैंगनीज होता है, जो कैल्शियम को अवशोषित करता है। वही वसा और कार्बोहाइड्रेट चयापचय और खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। मूंगफली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। अगर महिलाएं रोजाना मूंगफली का सेवन करती है तो महिलाओं में होने वाला कोलन कैंसर का खतरा टल जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।